राजधानी में अपराध की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला अगम कुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड के पास की है, जहां बीती रात एक स्कूटी पर सवार चार अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। दरअसल नृपेंद्र कुमार किसी काम से वहां गए थे, तभी अपराधियों ने उनके सोने के चेन और पास से 6,000 नकद को लूट लिया और फरार हो गए। इसके बाद अगम कुआं थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया और पुलिस इसकी जाँच में जुट गई है। दो मोटरसाइकिल पे चार बदमाश आकर के पिस्तौल दिखा करके मेरे से मेरी घड़ी, मोबाइल, पर्स, सोने की चेन ये सब उन लोगों ने लूट लिया। रात में भी हम लोग थाने पे आए थे, रात से लेकर के अभी तक 12 घंटे बीत चुके हैं। 12 घंटे में ना तो हमारा एप्लीकेशन इन्होंने ठीक से लिया है, ना रिसीविंग दी है, ना उस पर FIR किया है। वो लोग आते के साथ एक गुंडे ने, मतलब एक बदमाश ने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया, अरे भैया ये वो करते हुए मेरे गले से सोने की चेन छीन ली। उसके बाद दूसरे तीसरे ने, उसके हाथ में पिस्तौल था तो मेरा ध्यान उसी की तरफ था, दूसरे तीसरे ने मेरे जेब से मोबाइल और मेरा पर्स निकाल लिया। जाते जाते इसने फिर हाथ में घड़ी देखी तो घड़ी भी निकाल के लेके चला गया। करीब 5 मिनट के बाद गश्ती गाड़ी वहाँ से गुजरी थी, 5 मिनट के बाद हम लोग उस पर बैठे भी हैं। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर इस बात को कम से कम आगे फ्लैश कीजिए, वायरलेस पे फ्लैश दीजिए ताकि आगे, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन भी बताया था, हुलिया भी बताया था, बट इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इन लोगों ने गाड़ी बस अपने सीमा से घुमा करके फिर ये घटनास्थल पर ले आया। नंबर भी आपने था। हाँ, गाड़ी का नंबर 6142 जी, मैंने ही देखा था गाड़ी का नंबर। FIR नहीं दर्ज हुई है अभी तक। क्या बोला? FIR को लेकर के टाल मटोल कर रहे हैं, FIR लेने के नाम पर ये लोग टाल मटोल कर रहे हैं, नहीं FIR ले रहे हैं। ऐसी बात भी है, रात में घटना घटी है, हमारे पुलिस ऑफिसर उसको रिस्पांस भी दिए हैं और देखे भी हैं, और इन्होंने रात में जो FIR के लिए आवेदन दिया था वो FIR भी रजिस्टर्ड हो चुका है। क्योंकि जहां जिस समय घटना घटी और जो PO था उस PO के पास में बताया जा रहा है कि काफ़ी CCTV कैमराएं लगी हुई हैं, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, रात्रि के समय में CCTV कैमरा को देख पाना संभव नहीं था। हम लोगों ने टेक्निकल एक्सपर्ट के माध्यम से उस CCTV कैमरे को दिखवाने का कोशिश कर रहे हैं और अपराधियों की पहचान करके और उसकी अविलंब हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे।